कि आप भी नथिंग फोन 2 यूज करते हो और इसके ऑफिशियल टेम्पर्ड ग्लास स्टॉक में आने का इंतजार कर रहे हो जो ऑलरेडी महीनों से आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। लास्ट टाइम एंड ऑफ नवंबर या अर्ली दिसंबर 2023 में इसका टेम्पर्ड ग्लास स्टॉक में आया था। अब लगभग 6-6.5 महीने हो चुके हैं। मैंने नथिंग में बात करी, उन्होंने कहा भैया हमारी गलती नहीं है, आप फ्लिपकार्ट से बात करें। फ्लिपकार्ट से बात करी, फ्लिपकार्ट ने कहा भैया हमारी गलती नहीं है, आप नथिंग में बात करें। दोनों तरफ से मुझे जवाब मिला। मुझको क्या मिला है बाबा जी का टुल्लो। जी हाँ, तो दोस्तों ऑन डिमांड वीडियो है क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों में कमेंट रिसीव हुए कि भैया कोई अच्छा टेम्पर्ड ग्लास बताओ जो हम ऑफिशियल टेम्पर्ड ग्लास की जगह यूज कर सकें। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे टेम्पर्ड ग्लासेस लेके आया हूँ। बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक करना और भूलना, जल्द से सब्सक्राइब करो, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके पास फोन 2 है। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हैं कुछ टेम्पर्ड ग्लासेस जो मैं आपके नथिंग फोन 2 के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो ये ऑफिशियल वाला, जिस दिन स्टॉक में आए आंख बंद करके मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे भरोसा करो ये आप खरीद लेना, क्योंकि इससे अच्छा टेम्पर्ड ग्लास 400 रुपए की प्राइसिंग में आपको नहीं मिलेगा। चाहे इसकी ऑलिफेबिक कोटिंग हो, चाहे इसकी कर्वनेस हो, कटआउट्स हो, एवरीथिंग, ये बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास है इस स्मार्टफोन के लिए। प्राइस है 400 रुपए। हाल फिलहाल ये खाली डिब्बा है क्योंकि 1 साल पहले लगाया था, बस कंपेरिजन के लिए यहाँ पे रखा है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मार्केट में मुझे क्या क्या अवेलेबल था। पहली बात आता लोकल बाजार 50 से 150 मत खरीदना। क्या फायदा यार, इतना महंगा स्मार्टफोन खरीदेगा तब लगाना 50 रुपए का टेम्पर्ड ग्लास है, उससे क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है और आपको वो मजा नहीं आएगा इसकी स्क्रीन क्वालिटी का जो किसी अच्छे टेम्पर्ड ग्लास या विदाउट टेम्पर्ड ग्लास आएगा। अब बात करते हैं सबसे महंगे की। वैसे अगर आप लोग सोच रहे होंगे, एक और कंपनी है, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा काफी प्रीमियम पैकेजिंग होती है, डिब्बे पे गोरिल्ला बना होता है। मैंने उनकी वेबसाइट पर चेक करा, वो फोन 2 का टेम्पर्ड ग्लास नहीं बनाते, मुझे नाम इस टाइम याद नहीं आ रहा। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्पाइजिन की, जो एप्पल के आईफोन्स के, सैमसंग एस सीरीज के या फिर वन प्लस के महंगे स्मार्टफोन के ग्लासेस बनाती है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास तो अवेलेबल है लेकिन वो 1400 रुपीज़ के 2 हैं, यानी 700 रुपये का एक, इसके कंपेरिजन में 300 रुपये महंगा, इसलिए मैंने उसे इस लिस्ट में नहीं रखा। अब बात करें फ्लिपकार्ट अमेजोन पे हज़ारों टेम्पर्ड ग्लास अवेलेबल है 100, 200, 300, 400 रुपये तक की प्राइसिंग के, लेकिन आप उनकी रेटिंग्स देख लो और वो कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिन पे आप भरोसा कर सको। वैसे आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ले देखे दो कंपनी बचती हैं, स्प्रिंग और कैपेवर, ये काफ़ी अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है। लेकिन अब बात करें पहले स्प्रिंग की। अब दोस्तों कैपेवर के ऊपर बाद में आएंगे, इसका भी स्टॉक का कुछ मसला है, लेकिन स्प्रिंग की बात करें दोस्तों तो ये 2 टेम्पर्ड ग्लास बनाते हैं हर स्मार्टफोन के लिए, एक जिसके अंदर कटआउट्स कुछ अच्छे से दे रखे होते हैं और एक बिना कटआउट का सिंपल। तो दोस्तों क्योंकि ऑफिशियल टेम्पर्ड ग्लास में कोई कैमरा कटआउट नहीं था, कैमरे के ऊपर भी टेम्पर्ड ग्लास था, तो मैंने स्प्रिंग का वैसा ही एक टेम्पर्ड ग्लास बनवाया। अब दोस्तों यहाँ पे इसे अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आपको यहाँ एप्लीकेशन किट और साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाता है। इसकी खासियत ये है, ऑलिफेबिक कोटिंग काफ़ी अच्छी है, कर्वनेस भी है थोड़ी टेम्पर्ड ग्लास में, लेकिन स्प्रिंग जो है थोड़े छोटे टेम्पर्ड ग्लास बनाता है आपकी डिस्प्ले साइज के कंपेरिजन में, जो मुझे अभी पता चला। और फ्लिपकार्ट की एक बुरी बात लगी मुझे, मैंने उन्हें प्रूफ भी दिया कि ये टेम्पर्ड ग्लास पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा है स्मार्टफोन पे, लेकिन उन्होंने इसे रिफंड नहीं किया, रिटर्न नहीं किया। लेकिन अब बात करें इस टेम्पर्ड ग्लास की, तो दोस्तों यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जैसे ऊपर आपको ये सेंसर्स वगैरह कंटआउट दे रखे हैं वो आपको इसमें नहीं दे रखे, और ये टेम्पर्ड ग्लास थोड़ा छोटा है डिस्प्ले से, ये बस थोड़ा बुरा लगता है दिखने में, वरना आप इसे परचेज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है 380 रुपये की प्राइसिंग में। तो दोस्तों बात करते हैं अब कैपेबल वाले टेम्पर्ड ग्लास की। इसकी बाहर से तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप इसे ओपन करेंगे तो अंदर से थोड़ी सी पुअर पैकेजिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन भाई प्रोडक्ट अच्छा हो तो हमें पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है। इसकी प्राइसिंग हाल फिलहाल 540 रुपये है, अगर आप 2 खरीदते हैं फ्लिपकार्ट में तो 800 रुपये है। अब देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं सिमिलर है ऑफिशियल टेम्पर्ड ग्लास की तरह, इसलिए जिस दिन ये स्टॉक में आता है उसी दिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इवन इसकी अपनी खुद की वेबसाइट पर भी। तो आपको इसके स्टॉक का थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा, लेकिन ये स्टॉक में नहीं आता, ये स्टॉक में आता है, इस बात की गारंटी है। ऑलराइट, अगर बात करें इसकी तो सबसे पहले इसमें भी आपको एक एप्लीकेशन किट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे है हमारा टेम्पर्ड ग्लास। ऑलराइट दोस्तों, अब आप इसे बाहर निकाल के देखेंगे तो बिल्कुल वही क्वालिटी, वैसे ही कटआउट्स और सेम साइज़ का टेम्पर्ड ग्लास है, सेम ऑलफेबिक कोटिंग और सेम कर्वनेस के साथ जो आपको ऑफिशियल टेम्पर्ड ग्लास में देखने को मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा
किसी और टेम्पर्ड ग्लास को लेने से अच्छा है, स्प्रिंग को लेने से अच्छा आप इसे परचेज कर लें। लेकिन अगर ये दोनों अवेलेबल ना हो, ऑफिशियल वाला और ये वाला, और आपको खरीदना है, टूट चुका है, तो आप स्प्रिंग का खरीदें। अगर आप वेट कर सकते हैं तो इसका करें, अगर आप और ज़्यादा वेट कर सकते हैं तो इसका खरीदें, और तब आपका सब्र टूट जाए तो आप इसको ना खरीद के इसे खरीद लें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो दोस्तों ये थे कुछ अच्छे टेम्पर्ड ग्लासेस, मैं अभी आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक लगा हुआ है, फालतू में मेरा पैसा खराब हो जाएगा यार। लेकिन आप लोगों को ये वीडियो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पूरी डिटेल में सब कुछ डिस्कस करा है। बोरिंग लगी हो तो माफी चाहूंगा, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।